अभी हम लोग ये ITI मोड पे रुके हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से क्योंकि रांची दिखा रहा है 111 किलोमीटर और जैना मोड 20 किलोमीटर है। ये बाईपास रोड है और अभी हम लोग टूवर्ड्स पुरुलिया की ओर जा रहे हैं। अभी हम लोग जो लगभग 20 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और यहाँ रोड बन चुकी है और आगे काफी ठंड है, इसलिए मुझे बड़ी खांसी हो रही है और हमारे साथ में है ये NS 200 250। तो इंट्रोडक्शन कराते हैं, ये है सुवेंद्रु भाई। Hello. आपका नाम? सुकेंदर भाई। तो अभी हम लोग बंगाल इन कर चुके हैं और यहाँ हम लोग रुके हैं, यहाँ चाय पीने के लिए, काफी ठंड है। चास रोड। ये पुरुलिया रांची हाईवे है जहाँ पर अभी हम लोग रुके हुए हैं। तो चलिए अभी चाय का पहले आनंद लेते हैं। तो अभी हम लोग हैं, चाय का तो मज़ा ले लिया अभी हम लोग और थोड़ा ठंडक को दूर कर लिए और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं रांची हाईवे पे। अभी देख सकते हैं यहाँ पर कितना जबरदस्त मेला लगा हुआ है भाई। ये बंगाल का मेला मैं पहली बार आ रहा हूँ क्या हितेश, हम लोग पहली बार आ रहे हैं ना बंगाल का मेला में। और ये मकर मेला है। ये मकर मेला जो होता है ये पूरे भारत में हर जगह पे, ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। तो आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए अपने डेस्टिनेशन में। शामली खड़ी है यहाँ पर। काफी पुराना मंदिर लग रहा है ये। ये क्या मंदिर है ये तो हम लोग उधर जा करके पता चलेगा। वहाँ और एक मंदिर है, यहाँ एक मंदिर है और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ये कंसावती नदी का स्टार्टिंग है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंसावती नदी जो है पहाड़ नदी का, एक्चुअली पहाड़ का पानी एक जगह तो हम लोग जहाँ आने वाले थे ये वही जगह है। इसका नाम है देउल घाटा और ये पुरातात्विक विशेषता रखता है। क्या विशेषता रखता है वो थोड़ा देर में आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी हम लोग हैं नदी के जस्ट किनारे में और मकर संक्रांति के अवसर पर
देख रहे हैं यहाँ आसपास के कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ नहा रहे हैं और काफ़ी मंदिर है तो मंदिर में दर्शन भी हो रहे हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, पानी बहुत कम है लेकिन फिर भी लोग मकर स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। और हम लोग का प्लान था कि नहाने का, लेकिन यहाँ पर नहाना भी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ही कम है और काफी गंदा हो चुका है यहाँ पर पानी। कंचावती नदी, कंचावती नदी। तो हम लोग कहीं और नहाएंगे। चलिए अभी हम लोग चलते हैं मंदिर को देखते हैं कि किस तरह का मंदिर है और क्या डिजाइन है। नहीं नहीं, वो तो आदिवासी हो गया। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ये पुरातात्विक मंदिर है। और इस मंदिर के भग्नावशेष अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे तोड़ दिया गया था। ये बौद्ध धर्म के समय का, जब बौद्ध धर्म का उत्थान हो रहा था तो तभी ये मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन बाद में इसको तोड़ दिया गया था तो उसका अवशेष अभी भी यहाँ पर है। और यहाँ पर अभी भी पूजा वगैरह होते हैं। देखिए काफ़ी काफ़ी सुंदर मंदिर थे। और हमारा जो भारत था वो काफ़ी उन्नत था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। चलिए इस मंदिर को हम लोग थोड़ा देखते हैं के बारे में, पूरा हिस्ट्री बताइए कि आपको ये मंदिर कितना पुराना और कितना ऐतिहासिक है, बताइए ना। जय गुरु। प्लेस का नाम है देउल घाटा, जयपुर प्लेस, बांग्ला में पड़ता है जी। बोलो, यहाँ पर मठ मंदिर बनाया था, लेकिन देउल घाटा ऐसा एक प्लेस है, ये प्लेस है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, इसका ऊपर तो कमान डाल दिया है। तो ये कितने पुराना है? ये जो मंदिर है, हाँ, 2000 ईयर। वाह, और ये 2000 सालों से पुराना, 2000 साल पुराना ये मंदिर है जो आप लोगों ने अभी देखा। थैंक यू मैम, आप लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना चीज़ हमको बताया। तो यहाँ पर अमिताभ, अमित चक्रवर्ती भैया यहाँ पर अभी वो आज रांची से रिटर्न हो रहे हैं और उनसे काफ़ी बातें की और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये एक्चुअली में कलकत्ता के हैं और सोलो राइड करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं ये सोलो राइड अपने थंडरबर्ड में आए, तो कितना किलोमीटर इन्होंने अपना जो है वो घूम लिया। एक हफ्ते पहले निकले थे और इन्होंने पूरा अभी नेतरहाट बोले और रांची बोले दोकला घूम घाम करके अभी आज को ही ये रिटर्न हो रहे हैं अभी वापस अपना कलकत्ता को। तो हैट्स ऑफ है यार, अकेले राइड, नौकरी सोचना पड़ता है हमें। चलिए भैया चलते हैं। तो अभी हम लोग सकुशल पहुँच चुके हैं हमारे राइड कंप्लीट करके, और अभी हमारे घर के जस्ट नीचे पहुँच चुके हैं। तो
आज के इस ब्लॉग को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर से हमारे चैनल को क्या करना है पता है ना आपको, कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, और क्या क्या त्रुटि रह गया उसका भी कमेंट करके बताएं ताकि हम लोग उसको अपडेट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।